हेलो बच्चों, मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बच्चों, आज हम राजशास्त्र पाठ दो चुनाव प्रक्रिया यह पाठ पढ़ने वाले हैं। चुनाव चुनाव बच्चों, हमारा देश जो है एक लोकतांत्रिक देश है और चुनाव के माध्यम से हम हर एक 5 वर्ष में एक नेता का चुनाव करते हैं जो हमारे देश का शासन चलाता है। तो चुनाव प्रक्रिया द्वारा हमारे देश के प्रतिनिधि यानी नेताओं का चुनाव किया जाता है। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है, ये मतदाता लोग हैं, ये नेता का चुनाव करने आए हैं और चुनाव कैसे किया जाता है, मतपेटी दिखाया गया है, मतपेटी में अपना वोट दिया जाता है, इसी को चुनाव प्रक्रिया कहते हैं। भारतीय लोकतंत्र दिशा में जो प्रगति हुई उसमें चुनाव का बहुत ही बड़ा योगदान है। चुनाव और प्रतिनिधित्व लोकतंत्र से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। चुनाव और जो नेता, ये जो है लोकतंत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और चुनाव के माध्यम से हम अपने नेता का चुनाव करते हैं। यह तो हम जानते हैं, चुनाव के कारण शांतिपूर्ण मार्ग से सत्ता का परिवर्तन होता है। जैसे उदाहरण मैं बता रही हूँ, इसके पहले कांग्रेस का शासन था, इस समय बीजेपी का शासन है, इस प्रकार सत्ता का परिवर्तन होता रहता है। विभिन्न राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का अवसर प्राप्त होता है, जो अलग अलग दल होते हैं उनको अपनी अपनी सरकार बनाने का मौका मिलता है। शासन की नीतियों में परिवर्तन होता है, जो शासन का नियम होता है उसमें भी बदलाव होता है और सामाजिक जीवन में भी बदलाव होता है। जिस प्रतिनिधि या जिस नेता को हम चुनते हैं वह कार्यक्षम हो, यानी देश के लिए अच्छा कार्य करे, ईमानदार हो तथा विश्वास पात्र हो, लोगों को उस पर विश्वास हो, लोगों की भावनाओं का वह सम्मान करे, ऐसी हमारी सोच होती है। जिस चुनाव प्रक्रिया द्वारा हम अपने नेताओं को चुनने वाले हैं वह चुनाव प्रक्रिया खुली, निष्पक्ष और विश्वसनीय होनी चाहिए। इस दृष्टि से भारतीय संविधान द्वारा चुनाव सम्पन्न कराने के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का नियम बनाया गया या कानून बनाया गया। भारतीय निर्वाचन आयोग, देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है, भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग और राज्य स्तर पर कार्यरत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा देश के सभी महत्वपूर्ण चुनाव करवाए जाते हैं। जैसे पूरे अगर भारत देश का चुनाव करवाना होता है तो भारतीय निर्वाचन आयोग करता है, लेकिन अगर एक राज्य का चुनाव करवाना हो तो राज्य चुनाव आयोग द्वारा करवाया जाता है। निर्वाचन की तारीखों की घोषणा करने से लेकर चुनाव के परिणाम घोषित करने तक पूरी चुनाव प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन और उनकी देखरेख में चलती है। यानी जब भी चुनाव करवाना होता है तो चुनाव का जितना भी इलेक्शन की तारीख के इतने तारीख को इलेक्शन होगा, वो तारीख से लेकर चुनाव होने के बाद जब तक चुनाव में हार जीत का फैसला नहीं होता है, ये सभी चीजों का मार्गदर्शन करना, उस पर नियंत्रण रखना, ये सभी कार्य जो है निर्वाचन आयोग करती है। हमारे देश में एक बड़ा और व्यापक जनतंत्र प्रक्रिया है और उसमें चुनाव प्रक्रिया जो है एक अविभाज्य घटक है। इस पाठ में हमने निर्वाचन आयोग की संरचना, कार्य और भूमिका, ये सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चुनाव प्रक्रिया में कौन कौन से सुधार होना आवश्यक है इसके बारे में भी हम चर्चा करें। निर्वाचन आयोग, भारतीय चुनाव प्रक्रिया के केंद्र स्थान में निर्वाचन आयोग ही है। भारतीय संविधान की धारा 324 द्वारा स्वायत्त व्यवस्था का निर्माण किया गया है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य दो उपायुक्त होते हैं और ये तीनों का अधिकार जो है समान होता है। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त के जो तीन आयुक्त होते हैं, एक आयुक्त और दो उपायुक्त, इनका चुनाव जो है राष्ट्रपति करते हैं। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता अबाधित रहे इसलिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को बड़ी सरलता या राजनीतिक कारण से उनको उनके पद से हटाया नहीं जा सकता। ऐसे छोटा मोटा कारण से निर्वाचन आयुक्त को हम हटा नहीं सकते हैं। निर्वाचन आयोग में व्यय के लिए स्वतंत्र वित्तीय प्रावधान दिया गया। निर्वाचन आयोग में जो भी खर्च लगता है वो खर्च को करने के लिए उसको एक अलग से वित्तीय प्रावधान किया, वो कितना भी अपने हिसाब से वो खर्च कर सकते। निर्वाचन आयोग में स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग नहीं है, अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत अधिकारी, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के सहयोग से चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। निर्वाचन आयोग में
कोई अलग से कर्मचारी वर्ग नहीं है इसमें, जो स्कूल के टीचर्स और अलग अलग ऑफिस में जो अलग अलग अधिकारी कर्मचारी होते हैं उनके सहयोग से चुनाव की प्रक्रिया जो है वो संपन्न कराई जाती है। देखो बच्चों, यहाँ भारत निर्वाचन आयोग का लोगो दिया गया है। देश आजाद होने के पहले हमारे देश के निर्वाचन आयुक्त तो सुकुमार सेन थे। 1921 ईस्वी में सेन अंग्रेजों की प्रशासनिक सेवा में दाखिल हुए, यानी अंग्रेजों के समय से ये प्रशासनिक सेवा में थे। कालांतर में यानी बाद में 1950 ईस्वी में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई और उन्हें चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई। बड़ी प्रतिकूल और विकट परिस्थिति में उन्होंने बड़ी कुशलता से निर्वाचन आयोग का कामकाज संभाला। निर्वाचन आयोग के कार्य, पहला है मतदाताओं की सूची तैयार करना। कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष पूर्ण करने पर भारत के नागरिक को मतदान देने का अधिकार है। इस अधिकार का उपयोग करने के लिए उसका नाम मतदाता सूची में होना आवश्यक है। देखो बच्चों, यहाँ मतदाता सूची दिया गया है, कहने का मतलब जो व्यक्ति 18 साल का है उसका इसमें उनका नाम होना चाहिए। मतदाताओं की सूची बनाना, उससे अद्यतन यानी तैयार बनाए रखना, ये नहीं कि हम जाए तो कहाँ पड़ा है सूची, ऐसा नहीं, हो हमेशा तैयार होना चाहिए। नए मतदाताओं का समावेश करना, जो 18 साल के नए मतदाता आ रहे हैं उनका समावेश करना आदि कई प्रकार के कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं। मतदाताओं को पहचान पत्र देने का अधिकार भी निर्वाचन आयोग को प्राप्त है। देखो बच्चों, यहाँ पे पहचान पत्र जिसको हम वोटिंग कार्ड भी कहते हैं, ये वोटिंग कार्ड का चित्र दिया गया है। क्या आप जानते हो मतदाता पंजीकरण के लिए विशेष मतदाता जागृति अभियान चलाया जाता है, उसके लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चुनाव की समय सारणी और संपूर्ण कार्यक्रम निर्धारित करना, चुनाव को पूर्ण रूप से संपन्न कराने की जिम्मेदारी जो है निर्वाचन आयोग पर होने के कारण किस राज्य में कब और कितने चरणों में चुनाव करवाया जाए इसका निर्णय जो है चुनाव आयोग लेता है। तीसरा, उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की छानबीन। चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को चुनाव में खड़ा करते, पर प्रत्याशी का मतलब होते हैं अपने अपने आदमियों को, यानी अपने अपने नेताओं को खड़ा करते हैं। साथ ही कुछ प्रत्याशी किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन न लेते हुए स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं। ऐसे निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ साथ सभी प्रत्याशियों के नामांकन पत्र भरना पड़ता है, उसमें स्वयं की संपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी लिखनी पड़ती है। निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकन पत्रों की कड़ी जांच पड़ताल की जाती है और इस प्रकार जो है जो पात्र है उनको चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाती है। देखो बच्चों, यहाँ पे नामांकन पत्र दिया गया है, इसमें जो उम्मीदवार रहता है उसकी पूरा डिटेल लिया लिखा जाता है, जैसे नाम है, वो क्या करते हैं, उसके पूरी में बारे में पूरी जानकारी दी जाती है और उसका पूरी अच्छी तरह से जांच पड़ताल होने के बाद ही उसे चुनाव लड़ने की अनुमति प्राप्त होती है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना। देखो बच्चों, यहाँ पे अलग अलग राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह दिया गया है। यहाँ पे एनसीपी यानी राष्ट्रीय कांग्रेस और यहाँ पे कांग्रेस का दिया गया है चुनाव चिन्ह। यहाँ पे बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का दिया गया है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी का दिया गया है चुनाव चिन्ह। इस प्रकार अलग अलग पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया गया है। तो जो अलग अलग राजनीतिक दल को किस प्रकार मान्यता मिलती है, अपने देश में बहुदलीय पद्धति यानी अलग अलग बहुत सारे दल के पद्धतियां मैंने दिखाया है। साथ ही नए नए राजनीतिक दलों का गठन होता रहता है। राजनीतिक दलों में फूट पैदा होकर नए राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। जैसे एक दल में कोई है, अगर उसको उस दल से नहीं मेल बैठ रहा है, वो अलग होना चाहे तो अलग होकर नया दल बना सकता है। ऐसे सभी दलों को निर्वाचन आयोग की मान्यता लेना अनिवार्य होता है। अगर वो अपना अलग दल बनाते तो उसको मान्यता लेना होता है। किसी राजनीतिक दल की मान्यता समाप्त करने का अधिकार भी निर्वाचन आयोग को है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे दिया गया है चुनाव, अलग अलग चुनाव चिन्ह। पांचवा है, चुनाव से संबंधित विवादों, विवाद का मतलब होता है झगड़ा, को हल करना। चुनाव के संदर्भ में अगर कोई विवाद छिड़ जाता है तो उसे हल करने की जिम्मेदारी भी निर्वाचन आयोग पर होती है। इसके अनुसार किसी चुनाव क्षेत्र में दोबारा चुनाव करवाना या किसी प्रत्याशी को अपात्र घोषित करना,
ये सभी कार्य भी निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन क्षेत्र की पुनर्रचना, लोकसभा के कुल 543 सदस्य हैं। इन सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रत्येक सदस्य एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों का गठन करने का कार्य चुनाव आयोग परिसीमन समिति द्वारा किया जाता है। यह समिति किसी के भी दबाव में न आते हुए, किसी के पक्ष में न बोल के अपनी ओर से सही निर्णय दे। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है, कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग द्वारा घोषित आचार संहिता का पालन सरकार को भी करना पड़ता है, तो यहाँ पे दूसरे बच्चे के मन में विचार आ रहा है, तो फिर चुनाव आयोग श्रेष्ठ है या सरकार? मेरा मत है चुनाव आयोग श्रेष्ठ है। देखो बच्चों, यहाँ जो चुनाव प्रक्रिया है वो किस किस क्रम में कैसे कैसे किया जाता है यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्रों की निर्मिति की जाती है, जहाँ पे चुनाव होने वाला है उस निर्वाचन क्षेत्र को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। उसके बाद मतदाताओं की सूची की निश्चिति की जाती है, मतदाता कौन कौन से वो मतदाता है उसका सूची में नाम रहता है। प्रत्याशियों से नामांकन पत्र भरवाना और उसकी छानबीन करना, जो इलेक्शन में खड़े होते हैं या नेता के रूप में, तो उनका नामांकन पत्र भरवाना होता है, उनका नाम वगैरह भर के उसकी छानबीन की जाती है, उसमें कोई चीज गलत तो नहीं है। उसके बाद जब नामांकन पत्र भरने के बाद उनको मंजूरी मिलती तो अपना चुनाव प्रचार करते हैं जगह जगह जाकर। और उसके बाद प्रत्यक्ष मतदान होता है, सामने से लोग आके वोट करते हैं। वोट करने के बाद जितना कितना वोट आया है, कितना वोट पड़ा है, उसको गिना जाता है, मतगणना की जाती है। उसके बाद मतगणना करने के बाद जिसको ज़्यादा वोट मिलता है तो वो चुनाव परिणाम आता है। चुनाव परिणाम में कौन जीतता है कौन हारा, जिसको ज़्यादा वोट मिलता है वो जीत जाता है, जिसको कम वोट मिलता है वो हारते हैं। और चुनाव संबंधित विवाद, अगर चुनाव में किसी प्रकार का विवाद या झगड़ा होता है उसका निपटारा भी चुनाव प्रक्रिया में किया जाता है। यह बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के निवासी श्याम शरण नेगी, इनका चित्र यहाँ दिया गया है, ये भारत के पहले मतदाता थे। 25 अक्टूबर 1951 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें उन्होंने मतदान के अधिकार का उन्होंने पहले उपयोग किया। आचार संहिता किसे कहते हैं? भारत में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वातावरण में चुनाव होने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से जिन उपायों का कार्यान्वयन किया गया है उनमें आचार संहिता का समावेश किया जा सकता है। भारत में चुनाव करवाने के पहले आचार संहिता लागू की जाती है। आचार संहिता जो है एक प्रकार का नियम है, ये और इन नियमों का पालन जो नेता खड़े होते हैं उनको इन नियमों का पालन करना होता है, इसी को आचार संहिता कहा जाता है। पिछले कुछ दशकों से निर्वाचन आयोग ने अपने सभी अधिकारों का उपयोग करते हुए चुनाव में जो अनियमितताएं पाई जाती है उनकी रोकथाम करने की कोशिश की। पिछले कुछ दशक यानी कुछ 40-50 सालों से जो लोगों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया या गलत पद्धति से जो चुनाव प्रक्रिया कराई गई तो उसकी रोकथाम करने का कोशिश जो है चुनाव आचार संहिता करती है। चुनाव से कुछ समय पूर्व और चुनाव के समय सरकार, राजनीतिक दल और मतदाताओं को चुनाव से संबंधित किन नियमों का पालन करना चाहिए, यह जो है आचार संहिता में स्पष्ट किया गया है। मैंने बताया कि सरकार और मतदाताओं को किन नियमों का पालन करना चाहिए, यह जो आचार संहिता में अच्छी तरह से बताया गया है। सरकार भी इन नियमों को भंग नहीं कर सकती। पिछले कुछ चुनावों में आचार संहिता का पालन न करने पे जो कार्रवाई की गई उससे सामान्य जनता अस्वस्थ होता दिखाई देता है। कहने का मतलब यह है कि आचार संहिता द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं वो एकदम सही नियम है, और अगर कोई उसका दुरुपयोग करता है, कोई उसका गलत उपयोग करता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। इसके कारण जो मतदाता है उनको लगता है कि हम सही नेता को चुन रहे हैं। निष्पक्ष और न्यायपूर्ण चुनाव करवाने में आने वाली चुनौतियां, हमारे देश का विस्तार और मतदाताओं की संख्या को देखते हुए चुनाव करवाना एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। सभी को मालूम है कि हमारा देश बहुत बड़ा है और हमारे देश की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है। ऐसे बड़े देश में चुनाव करवाना जो है एक चुनौती भरा कार्य है।
निर्वाचन आयोग को कानून के दायरे में रहकर इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ कुछ चुनौतियों के बारे में बताया गया है। पहला, चुनाव के समय बड़ी मात्रा में पैसों का अवैध रूप से लेन देन होता है, उसकी रोकथाम के लिए निर्वाचन आयोग को कुछ उपाय योजना करनी पड़ती है। जैसे इलेक्शन होते समय जो नेता लोग रहते हैं, किसी को पैसे देके लालच देके उनका वोट अपने साइड कर लेते हैं, तो उसके लिए उसकी रोकथाम के लिए निर्वाचन आयोग को कुछ उपाय योजना कर। दूसरा है, उसमें से कुछ जो नेता रहते हैं आपराधिक प्रवृत्ति के रहते हैं, गुंडे रहते हैं, और राजनीतिक दलों द्वारा उनको टिकट भी मिल जाता है और जीत भी जाते हैं। इससे क्या होता है कि राजनीति का अपराधीकरण होता है। साथ ही निर्वाचन आयोग को भी निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण में चुनाव करवाने में कई समस्या आती है। पारदर्शी का मतलब होता है जो वहां हो रहा हो हमको अच्छी तरह से पता चलना, तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आती है। तीसरा है, चुनाव के समय होने वाली हिंसा भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि दो पार्टी है, दो पार्टी में चुनाव हो रहा है, तो एक दूसरे के आदमी पार्टी वाले एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, मारपीट हो जाती है, कहीं कहीं पे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये जो ये समस्या है वो चुनाव आयोग के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। चुनाव के दौरान होने वाली हिंसाओं की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, उसकी रोकथाम के लिए सभी राजनीतिक दलों को आगे बढ़कर निर्वाचन आयोग का साथ देना चाहिए। राजनीति में अपने परिवार का प्रभाव बना रहे इसके लिए रिश्तेदारों को उम्मीदवारी देने की कोशिश की जाती है, जिससे प्रतिनिधिक संस्थाओं में पारिवारिक एकाधिकार निर्माण हो सकता है। कहने का मतलब, कभी कभी क्या होता है एक ही परिवार के कई लोग उसमें खड़े होते ताकि हमारे रिश्तेदार उसमें आए। क्या आप जानते हैं प्रथम लोकसभा के चुनाव के समय मतदाता सूची बनाने का काम बहुत ही चुनौती भरा था। हमारे देश में अशिक्षित लोगों का अनुपात अधिक था, हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम थी, तो उसका कैसे नियम है, कैसे वोट देना चाहिए सभी उनको मालूम नहीं था। इसलिए मतदान के लिए एक विशेष पद्धति का उपयोग किया गया। इसमें क्या किया गया कि 20 लाख मतपेटियां बनाई गई स्टील की, और उन मतपेटी पर चुनावी चिन्ह चिपकाए गए, और चिपकाने के बाद मतदाता को जिस राजनीतिक दल को वोट करना है या मत देना है तो उस दल के चुनाव चिन्ह वाली मतपेटी में एक कोरा कागज को मोड़कर उसमें डाल देते थे। इस प्रकार अशिक्षित लोगों को मतदान करना जो है आसान हो गया। चुनावी सुधार। चुनाव एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चुनाव जो है हमेशा हर 5 साल में चुनाव होता रहता है, और चुनाव के माध्यम से हम एक सही नेता का चुनाव करते हैं। चुनाव पे लोकतंत्र का भविष्य निर्भर रहता है। उचित सुधार करने पर चुनाव प्रक्रिया से विश्वसनीयता बढ़ जाती है। अगर हम अच्छे ढंग से चुनाव करते हैं तो उस पे लोगों का विश्वास बढ़ जाता है। यहाँ चुनाव सुधार के बारे में कुछ सुझाव दिए गए हैं और उसके बारे में क्या परिणाम हो सकते हैं। पहला है, राजनीति में महिलाओं को प्रतिनिधित्व बढ़ाने हेतु राजनीतिक दल 50% महिलाओं को उम्मीदवारी दे और उन्हें चुनाव में विजयी कराने की कोशिश करें। यानी यहाँ पे क्या, जब महिला स्त्री पुरुष समान है तो उसके आधार पे महिलाओं को भी 50% उम्मीदवारी देना चाहिए और महिलाओं को भी समानता के आधार पे उनको विजयी भी कराना चाहिए। दूसरा है, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को राजनीतिक दल में उम्मीदवारी न दे। इस संदर्भ में न्यायालय के जो निर्णय होते हैं उसका सख्ती से पालन होना चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई गुंडा या कोई दुष्ट प्रकृति का आदमी अगर नेता बन जाता है तो आप अपने स्वार्थ के बारे में वो सोचेगा। इसके लिए हमको सही नेता को चुनने के लिए जो आपराधिक प्रवृत्ति है उसको राजनीतिक दल में उम्मीदवारी नहीं देना चाहिए। तीसरा है, चुनाव का खर्च सरकार द्वारा किया जाना चाहिए, जिससे राजनीतिक दल आर्थिक अनियमितता नहीं कर पाएंगे और चुनाव के समय धन का दुरुपयोग करने से रोका जा सकेगा। मैंने बताया था कि चुनाव के समय लोग बड़े मात्रा में पैसे का लेन देन करते हैं और गलत ढंग से वो चुनाव अपनी ओर कर लेते हैं, अपने पक्ष में कर लेते हैं। तो ये जो खर्च है वो सरकार को करना चाहिए ताकि चुनाव के समय धन का दुरुपयोग न हो सके। चौथा है, जनप्रतिनिधि कानून में भी उस दृष्टि से संशोधन करके आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चुनावी प्रक्रिया से दूर रखा जाए।
मतपेटी से ईवीएम मशीन तक की यात्रा। देखो बच्चों, यहाँ मतपेटी है, पहले लोग मतपेटी में वोट डालते थे, उसके बाद यहाँ पे ईवीएम मशीन आई, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, अब इसके द्वारा वोट किया जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव सन 1951-52 में संपन्न हुआ, यहीं से उसके द्वारा चुनावी राजनीति और लोकतांत्रिक व्यवस्था को आकार देने की शुरुआत हुई। प्रारंभ में कई चुनावों में मतपेटियों का उपयोग किया जाता था। 1990 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उपयोग में लाई जाने लगी। मतदान में यंत्र के उपयोग से कई चीजें साध्य हो गई। ईवीएम मशीन पर दर्शाए गए प्रत्याशियों में से किसी को भी वोट नहीं देना हो तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा विकल्प मतदाताओं के सामने संभव हुआ। ईवीएम मशीन में बहुत सारे मतदाताओं के नाम रहते हैं, चुनाव चिन्ह रहते हैं, तो अगर हमको इसी में से किसी को वोट नहीं देना है तो उसमें एक और दिया गया ऑप्शन कि इसमें से कोई नहीं, तो हम इसमें उसको नोटा करके उस पर लिखा रहता है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी मतदान करना आसान हुआ। पर्यावरण की सुरक्षा को मदद मिली, क्योंकि पहले जो इलेक्शन होता तो उसमें लाखों टन कागज लगते थे, कागज के लिए वो वृक्ष की कटाई की जाती थी, उस पर भी प्रतिबंध लगा, और इसके साथ साथ जो चुनावी परिणाम है वो जल्दी आने लगे। यह भी समझ ले, सार्वजनिक चुनाव किसे कहते हैं, मध्यावधि चुनाव कहते हैं किसे कहते हैं, और उपचुनाव किसे कहते हैं, तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। सार्वजनिक चुनाव हर 5 वर्ष के बाद होने वाले लोकसभा के चुनाव को सार्वजनिक अथवा आम चुनाव कहा जाता है। सभी लोग जानते हैं हर 5 साल के बाद जो चुनाव होता है उसको सार्वजनिक चुनाव कहते हैं। और मध्यावधि चुनाव, निर्वाचित सरकार अपनी कालावधि पूर्ण करने से पहले, जैसे एक समय रहता है उस समय के पहले अगर उसको पूरा मत नहीं मिलता है या थोड़ा ही मत मिलता है, या गठबंधन वाली सरकार होने पर सहयोगी दल अपना समर्थन वापस ले लेता है और सरकार अपना बहुमत खो देती है, तो ऐसे समय में सरकार का गठन होने की संभावना नहीं रहती है, तो ऐसे समय में फिर से चुनाव करवाना होता है, इसी को मध्यावधि चुनाव कहते हैं। उपचुनाव, विधानसभा लोकसभा और स्थानीय संस्था में मान लो कोई नेता ने त्याग पत्र दे दिया या किसी भी नेता की मृत्यु हो गई तो वह स्थान जो है खाली हो जाता है और उस स्थान के लिए फिर से चुनाव करवाया जाता है, उसको उपचुनाव। क्या आप जानते हैं 8 अक्टूबर 2010 ईस्वी को निर्वाचन आयोग द्वारा विशेषज्ञ व्यक्तियों की एक समिति का गठन किया गया। इलेक्ट्रॉनिक मतदाता मशीन में मतदाता सत्यापित रसीद VVPAT सुविधा का समावेश निश्चित हुआ। इसे सभी राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया। अपने वोट का सही ढंग से पंजीकरण हुआ है या नहीं, इसे जांचने की सुविधा मतदाताओं को प्राप्त हुई। चुनावी अनियमितताओं को रोकने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। और इसमें जो मतदाता सत्यापित रसीद है, इसमें जितने भी वहां पर राजनीतिक दल के जो नेता लोग रहते हैं वो अपना अपना चुनाव वोट देकर उसमें जो रसीद निकलती है तो उससे उनको पता चलता है कि हमारा जो मतदान हुआ वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, मशीन बराबर है कि नहीं, इसकी जानकारी इसमें प्राप्त हो जाती है, इस सही ढंग से पंजीकरण हुआ है कि नहीं, इसको जांचने में सुविधा प्राप्त होती है। इस पाठ में हमने चुनावी प्रक्रिया के कई अंगों का अध्ययन किया है। अगले पाठ में हम भारत के जो अलग अलग राजनीतिक दल है उनके बारे में हम जानेंगे।